गाइस, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके एजुकेशन सिस्टम को सबसे अच्छा माना जाता है? वो है यूनाइटेड किंगडम। इसी तरह से वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके हेल्थ केयर सिस्टम को सबसे अच्छा माना जाता है? वो है नीदरलैंड। और इसी तरह से ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर एजुकेशन फ्री है? वो है डेनमार्क। और जहां पर ट्रांसपोर्टेशन फ्री है? वो है लग्जमबर्ग। और इसी तरह से ऐसी कौन सी कंट्री है वर्ल्ड में जिसे सबसे रिचेस्ट कंट्री माना जाता है? वो भी है लग्जमबर्ग। फाइनली, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसे 2021 में सबसे बेस्ट कंट्री माना गया है? वो है फिनलैंड। गाइज, ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, आपने उल्लुओं को तो अक्सर गर्दन घुमाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी इंसान को ऐसा करतब करते देखा है जिसमें वो भी उल्लुओं की तरह गर्दन घुमा रहा हो? गाइज, ऐसा भी एक इंसान हुआ है जिसका नाम है मार्टिन लोरेलो, जो अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा सकते थे और इसी वजह से उनका नाम मानव उल्लू पड़ा था। बाय द वे, ये गलत धारणा है कि उल्लू ही अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं। बाकी जितने भी पक्षी हैं वो भी अलग अलग दिशाओं में 135 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमाने में सक्षम होते हैं। गाइज, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, एप्पल के यूनिक एंड अमेजिंग प्रोडक्ट्स के बारे में तो हम लोग हमेशा ही डिस्कस करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एप्पल की ब्रांड पावर के बारे में एक यूनिक फैक्ट बताता हूं। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, अगर किसी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं तो वो कैसे आते हैं? ऑब्वियसली जो वो पोस्ट डालते हैं, है ना। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एप्पल के फेसबुक पे 13 मिलियन फॉलोवर्स, लिंक्डइन पे 14 मिलियन फॉलोवर्स और ट्विटर पे 6.9 मिलियन फॉलोवर्स हैं, और एप्पल ने इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक भी पोस्ट अभी तक डाली ही नहीं है। इसे कहते हैं एप्पल की ब्रांड पावर। गाइज, आपका एप्पल की ब्रांड पावर के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइज, अगर आपको भी मेरी तरह कार्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे लंबी कार के बारे में बताने भी वाला हूं और आपको दिखाने भी वाला हूं, जिसे देखने के बाद आप लोग भी दंग रह जाएंगे। दुनिया की सबसे लंबी कार बनाई है ओर बर्ग ने, जो कि 100 फीट लंबी है, जिसमें 4, 6 या 10 चक्के नहीं, पूरे 26 चक्के यानी कि व्हील्स लगाए गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी कार में एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया है, और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कार पर एक हेलीपैड बनाया गया है जिसमें एक हेलीकॉप्टर लैंड हो सकता है। गाइस, आपको इस कार के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। जो हम दिखते हैं वो हम है नहीं, तो हकीकत में हम क्या हैं, क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। जापानियों के हिसाब से हर इंसान के 3 चेहरे होते हैं। सबसे पहला चेहरा जो हम दुनिया को दिखाते हैं, अधिकतर सोशल मीडिया पे जो हम शेयर करते हैं, वो है हमारा पहला चेहरा, जिसे हम सबसे ज्यादा फेक यानी कि नकली चेहरा कह सकते हैं। दूसरा चेहरा जो आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को दिखाते हैं, काफी हद तक वो ये जानते हैं कि आप क्या हैं और कौन हैं, पर असल में आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो, और वो चेहरा आप किसी को नहीं दिखाते, और वही है आपका तीसरा और असली चेहरा। गाइज, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में।